हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू माय यूट्यूब फैमिली एंड मेरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को। आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज आज़ादी को लेकर, जो शायद आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ, तो आप शायद बताओगे कि बहुत से लोग शहीद हुए, बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी दी, बहुत लंबी लड़ाई चली, उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन इससे भी ऊपर कुछ था और वो था सोच। कुछ लोगों ने सोचा, उस सोच को ख़त्म करा एक्चुअली, जो ये बता रही थी कि ये देश गुलाम है और हम इसको आज़ाद नहीं करा सकते। ऐसे बहुत से लोग आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दी, शहीद हुए, और उनको देखा देखी बहुत से लोगों ने अपने दिमाग से डर निकालना स्टार्ट करा। वो सोच जिसने हमको बांध के रखा था कि अब हम इस देश को आज़ाद नहीं करा सकते, बस वो डर ख़त्म हुआ, वो सोच बदली और हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन आज भी हम ऐसी बहुत सी सोच से अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाए। और जिस दिन ये 15 अगस्त आती है, हम किसी को बोलते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो उसका कहने का मतलब यही होता है कि देश तो आज़ाद हो गया, आप भी आज़ाद हो जाइए अपनी सोच से। चलिए हम आपकी और हमारी बात करते हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े दो नियम, या तो हम खुश होंगे या हम दुखी होंगे। जब भी हमें कोई खुशी मिलती है, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशन से रिलेटेड हो, आपकी सोच कभी नहीं बोलती कि अब ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। कुछ टाइम तक तो हम खुश रहते हैं, उसके बाद वापस नॉर्मल हो जाते हैं। कभी किसी को देखा है कि 2 साल पहले उसके साथ कुछ हुआ था और वो आज भी उस चीज़ से वो खुश है? नहीं, अप्स एंड डाउन होते हैं। उसी तरीके से जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, उस वक्त हमारी सोच हमें कुछ और बताती है कि जो हुआ है अब ये बदला नहीं जा सकता, ये जो बुरा हुआ है इसको आप बदल नहीं सकते। यानी कि हमारे साथ ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कुछ हो जाता है कि जो हम नहीं चाहते थे, तो हमारी सोच हमें बताती है कि अब ज़िंदगी यहीं ख़त्म। तो कहीं ना कहीं हम आज भी अपनी सोच से आज़ाद नहीं हुए। मैं इन बातों को और आसान कर देता हूँ। हर चीज़ को लेने के दो तरीके होते हैं। सोच आपकी है, समझ आपकी है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हो। एक भिखारी था, सड़क पे आती जाती कार से पैसे मांगता था, जो भी कार में होते थे उनसे। एक बार एक कार रुकती है और वो खटखटा के बोलता है कि कुछ पैसे दे दो। वो आदमी ग्लास नीचे करता और बोलता है उससे कि मैं तो अगर तुम्हें पैसे दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? वो भिखारी बोलता है कि साहब, मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, मैं तो आपसे मांग रहा हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो बड़े लोग हो। कहता है, नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं तुम्हें तभी कुछ दूंगा जब तुम कुछ मुझे दो। 2 सेकंड 3 सेकंड वो सोचता रहा, फिर उसके गले में गमछा था, उसने फटाफट गमछा उतारा और उसकी गाड़ी उसकी साफ करने लगी। जब तक वो रेड सिग्नल रहा, उसने गाड़ी को इतना साफ कर दिया था कि वो आदमी सेटिस्फाइड था। और आदमी ने बोला कि हाँ, अब तुम धंधा करना सीख गए हो। उसने 10 रुपये निकाले और उसको दिए। अब यहां आती सोच वाली बात। वो भिखारी चाहता तो 10 रुपये रख लेता और आगे जाके फिर भीख मांगता, लेकिन उसने सोचा कि यार ये क्या हुआ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इस कपड़े से मैंने गाड़ी साफ करी और मुझे पैसे मिले। बस उस दिन से उसने भीख मांगना छोड़ दिया। जो भी सिग्नल पे गाड़ी रुकती, वो गाड़ी को साफ करता और उससे 5 रुपये, 10 रुपये, कभी 20 रुपये, कभी 50 रुपये उसको मिलते। ये कहानी कोई कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है जो हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल से थोड़ा सा दूर होशंगाबाद स्थित एक छोटे से कार वॉश सेंटर की है। मिस्टर कुमार ने ये कहानी मुझे खुद बताई थी। जब वो भीख मांगा करते थे, उन्होंने कार वॉश सेंटर खोला। एक बार मैं भी उनके पास गया था, जब ये कहानी मुझे पता चली थी मिस्टर कुमार के जुबानी, मैं सरप्राइज्ड हो गया, शॉक्ड हो गया। जब भी हम लोग सरप्राइज और शॉक्ड होते हैं, तो सोच लेना कि हमारे दिमाग में हम एक और चीज़ से आज़ाद हो गए, जो धारणा हमने बना रखी थी कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या एक भिखारी सिर्फ कपड़े से गाड़ी साफ करके कार वॉश सेंटर खोल सकता था? ये सोच पे डिपेंड करता है, हम इसी सोच की बात कर रहे हैं। अच्छे ख्याल और बुरे ख्याल दोनों हमारी ज़िंदगी में आते रहेंगे, उनसे लड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप बुरे ख्यालों को बुरे वक्त से लड़ोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। उसी तरीके से जो अच्छे ख्याल हैं, अगर आप उनको सोच के रख लोगे कि अब ज़िंदगी ऐसी रहने वाली, तो हम उसको भी रोक नहीं पाएंगे। तो जो जैसा चल रहा है, वो वक्त के साथ चलने दीजिए। अगर कुछ बुरा होता है तो आने दीजिए। छोटी सी गलती हम लोग यही कर देते हैं कि कुछ भी बुरा हमारे साथ होता है, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, तो हम लोग भागने की कोशिश करते हैं या बदलने की कोशिश करते हैं। हम समझते नहीं हैं कि हमारे साथ हुआ क्यों। आने दीजिए,
वो विचार बुरे ख्याल आने दीजिए और समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस वही वक्त होगा जब आप उस सोच से आज़ाद हो जाओगे कि कुछ चीज़ बुरी भी होती है। मैं कहता हूँ बुरी नहीं होती है, एक्सपीरियंस होती है, कुछ चीज़ सिखा कर जाती है। और रही बात अच्छी की, तो अगर इस सोच से बाहर निकल गए तो अच्छी चीज़ें तो होनी है फिर आपके साथ। सो थैंक यू सो मच। एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए यही था, जब भी कोई अच्छा वक्त आए तो उसे वेलकम करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, और अगर कोई बुरा वक्त आता है तो उससे भी वेलकम करिए, लेकिन उस बुरे वक्त से सीखिए। अगर आने वाले वक्त में ये बुरा वक्त दोबारा से आता है तो उसको डील कैसे करना है। टेक केयर।